नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर और आज मौजूद हैं हम असम की राजधानी गुवाहाटी में, यहां की विधानसभा प्रांगण में। इस कार्यक्रम में हम राज्य के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते हैं, यहां के सामाजिक आर्थिक हालात क्या हैं उनको भी जानने की कोशिश करते हैं और इस राज्य की क्या उपलब्धियाँ हैं और क्या चुनौतियाँ हैं उन पर भी एक नज़र डालते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बात करते हैं और यहाँ के आम लोग किस तरह की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं रखते हैं उसकी भी चर्चा इस कार्यक्रम में होती है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि असम की क्या खास बातें हैं। असम राज्य 1911 में ब्रिटिश राज में बंगाल विभाजन के समय बना। करीब 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला ये राज्य देश के उत्तर पूर्व इलाके का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। असम की सीमा दो देशों भूटान और बांग्लादेश से लगती है। राज्य में कुल 33 जिले हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या करीब 3,11,69,000 से ज्यादा है। असम को मोटे तौर पर तीन भौगोलिक इलाकों में बांटा जाता है, उत्तर में ब्रह्मपुत्र घाटी, दक्षिण में बराक घाटी, जबकि दोनों घाटियों के मध्य में उत्तरी कछार की पहाड़ियां मौजूद हैं। आज हमारे पास में ब्रह्मपुत्र नदी है, 800 किलोमीटर जल संपदा है, वन संपदा है, खनिज है, बॉसाइट्स है, पत्थर है, तो संभावनाएं उद्योग की बहुत हैं। असम की कुल आबादी के करीब 15% लोग आदिवासी हैं। असमी और बोडो के बाद बंगाली राज्य की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। राज्य के कुल क्षेत्रफल के 22% में जंगल है। सूबे में 5 राष्ट्रीय पार्क हैं और 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पक्षी विहार हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ मौजूद है। एक सींग वाले गेंडे के लिए असम दुनिया भर में जाना जाता है। असम में लोगों की रोजी रोटी का जरिया खेती किसानी है। असम में दुनिया के सबसे बड़े चाय बागान हैं। यहाँ के चाय बागान लगभग 2,16,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं। राज्य में 6 औद्योगिक विकास केंद्र हैं, जबकि यहाँ 4 रिफाइनरी काम कर रही हैं। इसके अलावा वस्त्र उद्योग भी मौजूद है। इसमें मूंगा नामक रेशम की किस्म पूरी दुनिया में सिर्फ असम में ही मिलती है। यहाँ की कला और संस्कृति की अलग पहचान है। यहाँ का सबसे बड़ा पर्व बिहू है, जो वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। मुख्य त्योहार अप्रैल के मध्य में मनाए जाते हैं, कोंगाली बिहू जो अक्टूबर के मध्य में और भोगाली बिहू जो जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। यहाँ के समाज में देखिए विविधता इतनी भरी हुई है। आज अनेक भाषा भाषी हैं, उनका कल्चर अलग है, उनका खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है। विकास लेना है या विकास हम जाना चाहें तो सुरक्षा, लैंड ऑर्डर और यहाँ के लोगों को समझना बहुत जरूरी है। असम राज्य ने लंबे समय तक पृथकवादी हिंसा को झेला। इस हिंसा ने राज्य के विकास को भी प्रभावित किया, लेकिन अब राज्य में शांति स्थापित हो चुकी है। लेकिन बांग्लादेश से घुसपैठ राज्य में एक बड़ा मुद्दा रहा है। वर्तमान सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने का वादा किया है। इसके अलावा राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश की संभावना बढ़ाने के लिए कई नीतिगत पहल राज्य सरकार कर रही है। इस सिलसिले में पिछले दिनों राज्य में एक बड़ा सम्मेलन किया गया, जिसमें दुनिया भर के निवेशकों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में भी असम राज्य को रखा गया है। नेहा सिंह, राज्यसभा टीवी। आज
आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजनामा में एक बार फिर से। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं इस चर्चा में जुड़ने के लिए, उनसे आपका परिचय कराता हूं। दाई तरफ से चंद्रमोहन पटवारी जी हैं, जो मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग भी उनके पास है और पार्लियामेंट्री अफेयर भी वो ही संभालते हैं। उनके साथ ही खड़े हुए हैं इमैनुअल मुसाहारी साहब, जो MLA हैं, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट पार्टी से आते हैं और तामुलपुर उनका विधानसभा क्षेत्र है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उनके साथ ही खड़े हुए हैं सेंट्यूस कुजोर साहब, जो वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उनके अलावा यहाँ पर कुछ आसाम की जनता के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें अलग अलग वर्गों के लोग हैं, जो उनमें नौजवान हैं, बिजनेसमैन हैं, छात्र हैं। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप ही के साथ हम चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं कि असम की क्या खास बातें हैं, किस तरह की अपेक्षाएं आप असम सरकार से या केंद्र सरकार से रखते हैं, और किस तरह का अभी यहाँ पर सामाजिक राजनीतिक हालात हैं, किस तरह की आप समझते हैं कि नीतियाँ बननी चाहिए राज्य में। आप में से जो भी शुरू करना चाहे, जो भी अपनी बात कहना चाहे। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। आई एम घनश्याम धानुका, अ प्राउड रेसिडेंट ऑफ असम एंड बिलोंग टू अ फैमिली विच हैज एन हिस्ट्री ऑफ डूइंग बिजनेस हियर फॉर ओवर 100 ईयर्स इन डाइवर्सिफाइड फील्ड्स, फूड ग्रेन्स, रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटैलिटी एंड एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट आवर ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ असम श्री चंद्रमोहन पटवारी सर फॉर सक्सेसफुली organizing the first ever global investor summit and for bringing ASEAN and BBN economies closer to the state of Assam. Thank you, sir. Industry ke lihaz se baat karein, kyunki industry ke lihaz se agar bolna chahu, it would be nice to know that, sir, is there some proposal to set up an ASEAN trade cell in Guwahati, Assam itself to facilitate the ease of doing trade here? Moreover, the new government has already introduced the ease of doing business 2016, which is really of a great help. I just want to add one thing to that. It would be of a greater help if something like a framework for a fast-track approval system at a premium charge can be available to industrialists. जी, और कोई आप में से बात करना चाहता है? आसाम से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आप उठाना चाहते हो? Hello, my name is Upakul and I'm by background a scientist. I just relocated back to Assam after living in Europe for close to 2 decades. And I was very lucky to have attended the summit, so congratulations, sir, on that. It increased my hopes of working in Assam. I see a lot of scope. So I worked with different cultures in the world, so I'll bring in a cultural aspect to the industrialization. My question is perhaps related to, I see a lot of young people sitting at the back, and you will realize with this fast-paced industrialization, a lot of skill development will be necessary. But especially when we talk about trading with the ASEAN countries, which also have a different cultural identity, there are certain soft skills that are very important to the crowd. So while we have on one hand technical skills and the other soft skills, my question would be geared towards, would you be working in collaboration with the education department to bring in these centers of knowledge? And perhaps a second question that I have is with fast-paced industrialization, what I've seen in many economies is that if the ancillary industries don't pick up, you have a huge problem 5 years down the line. You create a lot of environmental issues. You create a lot of dirty water because of industrialization, so to speak. Would there be a forum for these ancillary industries that go and serve the primary large group of industries in terms of taking care of pollution? Very simple things, soil pollution, water pollution. Is that also going to be a part initiative by the industries department? चलिए हम लोग फिर आपके पास लौटेंगे, लेकिन चंद्रमोहन जी आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा। आसाम की कई खास बातें हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार पैदा करना, निवेश लाना, उद्योगों को बढ़ावा देना एक बड़ी चुनौती है किसी भी राज्य सरकार के लिए। और असम के संदर्भ में अगर बात करें तो हाल ही में जो हाइड्रोकार्बन विभाग के जो DG हैं, उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो एनवायरमेंटल परमिशंस हैं वो मिलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक परसेप्शन है कि उस इंडस्ट्री से यहाँ पॉल्यूशन बढ़ सकता है या वो बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। आपने दो लोगों को सुना जो बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो व्हाट मिस्टर धानुका रेजेस हिज पॉइंट्स, सो फॉर दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज कंसर्न इन असम, व्हेन आवर गवर्नमेंट केम जी, सो वी वर इन 26th पोजिशन इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
But as on today, because of the effort of our government, so in ease of doing business, now in the country, our position is third. We are in the third position. So that actually it itself solved the basic problems of the industrialist and investors, number one. Number two, so he is asking another question, that whether one Asian desk will be here or Asian scepter will be here, Asian scepter. So in this regard, I'd like to inform him that, you see, previously in 1991, during Manmohan Singh, when he was the Prime Minister of the country, so there was a policy called Lucas policy. So since 1991 to 2016, so from the Lucas policy, actually Assam and Northeast was not benefited. So when Modiji became Prime Minister of the country, then he said that you stop looking, now you start acting. So he transformed this policy to Actis policy. So under Actis policy, with his vision, Modiji's vision, so our government, Honorable Chief Minister of Assam, Sri Sarbanand Sonowal, formed one department, Actis Policy Affairs Department. And that department also given to me. So I am working actually in this regard. So in this regard, I'd like to mention that actually for the first time in Assam during this global summit, so six ministers from ASEAN and BVN, so six ministers actually assembled in the same platform and they delivered their speeches. And their willingness to welcome the investors as well as commerce, as well as their willingness to invest here in Assam, number one. Number two, already there is High Commission from Bhutan here already established. And like that, Consulate of Bangladesh also already is here. And all ASEAN countries' consulate will be here, because one point is very important in Assam, because you see, we are sharing 4,800 kilometers of Southeast Asian countries' boundaries and BVN countries. So that way, we are the gateway of Southeast ASEAN. So this time Modiji when came as the Prime Minister, now we have got actually Government of India and Southeast Asian countries, there is protocol, already protocol signed. And because of which now we are getting access to the Chittagong port. So, आप ये कह रहे हैं कि जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ अब रास्ते खुल रहे हैं, आसियान देशों के साथ व्यापार करना आसान होगा। और उसके लिए जो भी जरूरी है, आसाम सरकार और भारत सरकार वो काम कर रही है। ना काम कर रहे हैं और रास्ता के लिए नितिन गडकरी जी 2.5 लाख करोड़ ऑलरेडी दिया है। ट्राइलेटरल जो हाईवे है, ये हाईवे का भी काम चल रहा है अभी जी। तो ये हाईवे का काम भी चल रहा है। और हमारा एयरपोर्ट जो है ना, कनेक्टिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा एयरपोर्ट जो है ना, अभी एयरपोर्ट हमारा गुवाहाटी एयरपोर्ट जो है, अभी न्यू टर्मिनल का ये हो गया, शिलान्यास भी हो गया। तो ये टर्मिनल के लिए 1200 करोड़ से ज़्यादा पैसा अभी दे दिया, टेंडर भी आउट कर दिया। निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तीसरा, हमारा जो कनेक्टिविटी है, हमारा वाटर कनेक्टिविटी, दिस इज द मोस्ट सीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इन द वर्ल्ड। सो हम लोग अभी बराक रिवर जो है ना, ये हम ड्रेजिंग कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से हम ब्रह्मपुत्र रिजर्व भी ड्रेजिंग हम स्टार्ट कर दिया। और बांग्लादेश में जो पार्ट ब्रह्मपुत्र का है, जो पार्ट बराक का है, वाटरवेज पे वाटरवेज पे अलग से हम बात करेंगे। वो कितना मददगार होगा, उसके लिए क्या योजनाएं हैं। भारत के जितने भी वाटरवेज हैं, उनका 10% से ज्यादा वाटरवेज आसाम में हैं, जिनके रास्ते से आप व्यापार कर सकते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, मुसाहारी जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी जब बात हो रही थी आसियान कंट्रीज की, और भूटान का यहाँ पर पहले ही एक काउंसलेट बन चुका है, आपका जो इलाका है उसकी सीमा भूटान के साथ टच करती है, जो बोडो टेरिटोरियल काउंसिल है, और आपकी अपना जो विधानसभा क्षेत्र है उसका भी। भूटान के साथ रास्ता खुलने से या बांग्लादेश के साथ रास्ता खुलने से, व्यापार के रास्ते खुलने से कितना फ़ायदा आसाम को होगा, आसाम के लोगों को, खासतौर पर नौजवानों को? मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आ रहा हूँ, ये बक्सा डिस्ट्रिक्ट है, ये नया डिस्ट्रिक्ट है। हाल ही में 4 डिस्ट्रिक्ट टेरिटोरियल काउंसिल बनने के बाद, 2003 के बाद वो बक्सा डिस्ट्रिक्ट बना। ये बक्सा डिस्ट्रिक्ट से मैं एक तमुलपुर कोसनी से आया हूँ जी। एंड दिस बक्सा एंड द चिरांग,
इस साल में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आ गया है, मतलब जैसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है आगे हम लोग बोलते थे बैकवर्ड, अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आ गया। तो बड़ी खुशी की बात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान हाल ही में आया था ये एडवेंटेज असम ये ग्लोबल सबमिट में जी। तो सबसे पहले हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं भूटान लास्ट 32 ईयर्स में उन लोगों का बड़े बहुत अच्छा से उन लोगों का डेवलपमेंट हुआ है, उन लोगों का रास्ता बन गया है, उन लोगों का ये लिटरेसी रेट बढ़ गया है, उन लोगों का बेसिक मेडिकल या स्कूल्स सब कुछ है। ये हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का बॉर्डर एरिया में जितना भी मार्केट है वो भूटान से आते हैं जी। हम लोग सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं बिकते हैं, एक दिन अगर भूटान से कोई मार्केटिंग लेके नहीं आएंगे तो हम लोग का वहाँ चल पाना मुश्किल है। सो भूटान अगर अच्छी तरह से उन लोग डेवलप होगा तो हमारे लिए फ़ायदा है। अगर भूटान में इन्वेस्टमेंट आएंगे या भूटान हमारे असम में इन्वेस्टमेंट उन लोग करेंगे वो भी बहुत अच्छा है। इसलिए हम लोगों का बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट का जो डेवलपमेंट एंटायरली भूटान पर 50% डिपेंड करता है। सो इट्स अ वेरी गुड साइन दैट भूटान हैज़ कम आउट हियर एंड दे हैव सेट अप ए हाई कमिश्नर आउट हियर एंड दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट ए डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम गुवाहाटी टू द सिंगापुर, दैट वुड बी अनदर वेरी गुड साइन फॉर अस। सो वी वेलकम एंड वी डेफिनेटली होप फॉर द बेस्ट जी। सेंट यूसुफ कुजूर साहब, आपने हमारे दोनों मेहमानों को सुना और जिस तरह के सवाल यहाँ से आए लोगों से वो भी सुने, ये बात तो सही है कि निवेश आना चाहिए राज्य में और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अगर सेंटर है, केंद्र अगर नॉर्थ ईस्ट है तो जाहिर है आसाम सबसे बड़ा राज्य है, गेटवे कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट के लिए आसाम को, तो आसाम को उसका फ़ायदा होगा। मैं अगर आपसे जानना चाहूं कि आप किस तरह से देखते हैं इन पूरी एक्टिविटीज़ को, आप सहमत हैं कि इससे आसाम को फ़ायदा हो रहा है या आप कुछ चुनौतियाँ देखते हैं इसमें? निवेश तो होना चाहिए, स्टेट का डेवलपमेंट होना चाहिए, मैं इसे एक मात हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी डाउट भी होता है और डाउट इसलिए होता है कि क्योंकि एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री लोग था हम लोग आसाम में, विशेष करके आपका नोगांव पेपर मिल, कछार पेपर मिल अभी 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, 1 साल हो गया अभी, उन लोग का जहाँ जितना भी एम्प्लॉयज था लोग का सैलरी नहीं मिल रहा है। नमरूप में जो हम लोग का यूरिया कारखाना था उसका भी बंद होकर पड़ा हुआ है, तो एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री था वही बंद हो गया है। फिर अगर अभी हम लोग नया इंडस्ट्री की बात सोच रहे हैं तो मेरा कहना यही है कि एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री था उसको हम लोग को बचाना चाहिए और फिर इंडस्ट्री हम लोग उसको वेलकम करते हैं, लेकिन जो चल रहा है उसको भी चलाना चाहिए, वहाँ का जो एम्प्लॉयज़ है वो लोग भी हम लोग को देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ का एम्प्लॉयज़ लोग अभी 1 साल से तनख्वाह नहीं है वो लोग का, तो वो लोग का बाल बच्चा जो लोग बाहर में पढ़ रहा था वो लोग का भी फिर से वापस आ गया, वो लोग को पैसा देने के लिए वो लोग के पास पैसा नहीं है, तनख्वाह मिलने से पैसा होता था जी। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि निवेश आना चाहिए, इंडस्ट्री और होना चाहिए, लेकिन एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री भी है यहाँ असम में उसको भी हम लोग को बचा कर रखना चाहिए। चंद्रमोहन पटवारी जी, आप जवाब देना चाहेंगे? अच्छा, जवाब तो ज़रूर देंगे। ये क्या है, एक्चुअली ये जो मिल, 2 मिल बंद पड़ा हुआ है जी, ये मिल अभी सर्वानंद सोनोवाल जी जब असम का चीफ मिनिस्टर हो गया और मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर बना उस टाइम में ये मिल बंद नहीं हुआ, ये मिल पहले सरकार का दिन में ये दोनों मिल बंद हो गया नौगांव के पास। नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो ये दोनों मिल हैं हेवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये दोनों मिल। तो अभी हमारा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसका इच्छा है और इसी हिसाब से मैं डिटेल्स तो इसमें नहीं बोलूँगा, डिटेल्स बोलने के लिए टाइम लगेगा, मैं तो बोल सकता हूँ। तो असम गवर्नमेंट का तरफ से इसको हम टेकअप किया है, तो टेकअप करने के बाद अभी नीति आयोग ने इनका एक निर्णय ले लिया। पहले क्या था, हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन का ऑफिस कलकत्ता में था तो उन लोग का 2 ही मिल, 3 मिल है हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन का, 1 मिल तो नागालैंड तुली में है, 1 नौगांव में है और 1 तो है आपको कसार में जी, ये 3 मिले हैं। तो पहले क्या है, इन लोग का जितना है ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से चलता था, इसीलिए मिसयूज बहुत हुआ है ये मिल में, बिकॉज ऑफ व्हिच बोथ द मिल्स आर क्लोज्ड एज ऑन टुडे। तो क्या है, अभी हम लोग भारत सरकार का हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से ये टेकअप किया है,
तो आपको मैं ये बात बोल सकता हूँ कि भारत सरकार ये निर्णय कर लिया जी कि अभी जो मैनेजमेंट अभी कलकत्ता से हो रहा था जी, ये बिकॉज ऑफ व्हिच मिस मैनेजमेंट मिल बोथ द मिल्स आर क्लोज, तो अभी एक थर्ड पार्टी मैनेजमेंट को ये देंगे और मिल जल्दी से जल्दी मिल चालू हो जाएंगे, सबको तनख्वाह मिल जाएगा, जितना इन लोग का माने ड्यूज है एरियर है सब एरियर इन लोग को मिल जाएगा और मिल भी चलेगा। जी जी पटवारी जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज इस कार्यक्रम में दी है और ख़ास तौर पर उन परिवारों के लिए जो उन मिलों में काम करते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, उम्मीद निश्चिंत है कि जल्दी ये फैसला लागू हो। लेकिन एक और बात मैं आप ही के साथ शुरू करना चाहूँगा कि जब आप निवेश की बात करते हैं, इंडस्ट्री को लाने की बात करते हैं, तो उसके लिए एक स्टेट में आपको एक माहौल बनाना पड़ता है, ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है उसकी बात होती है, या जो परमिशंस मिलनी हैं वो आसान हो उसकी बात होती है, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, कनेक्टिविटी हो। कनेक्टिविटी के मामले पे आपने कहा कि रोड बन रहे हैं, वाटरवेज को और बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आसाम से जुड़ा हुआ एक बहुत पुराना मामला है, वो है कि यहाँ पर कई बार इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, अलग अलग मसले हैं, उनके हिस्टोरिकल रीजंस हैं, सोशल रीजंस हैं। क्या आप ये भरोसा आज निवेशकों को दिला सकते हैं कि आसाम दुनिया भर के निवेशकों के लिए, देश के निवेशकों के लिए एक सुरक्षित डेस्टिनेशन है पूरी तरह से? ये मैं आप जो क्वेश्चन किया है कि आसाम एक सुरक्षित निवेश केंद्र है या नहीं, तो इसमें मैं आपको 100% आपको मैं ये भरोसा देता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आसाम, आसाम इज द बेस्ट सिक्योर्ड डेस्टिनेशन प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट एज ऑन टुडे, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन आसाम इज गुड एज ऑन टुडे, बिकॉज यू नो हमारा जो ये एडवांटेज आसाम हो गया, एडवांटेज आसाम में 23 कंट्री पार्टिसिपेट किया था, प्रधानमंत्री जी खुद इसमें आया है, तो आपको मैं ये बात एक बताऊँ, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर्स है, सबसे बड़ा जो बिजनेसमैन है, मुकेश अंबानी हो या टाटा ग्रुप हो या डालमिया ग्रुप हो या सन फार्मा ग्रुप हो, जितना भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज है, ये लोग भी इधर आया, ये लोग भी इन लोग का भाषण दिया, ये लोग भी निवेश के लिए ये लोग भी बातचीत किया है, तो इन लोग के पास भी तो कोई खबर है नहीं, तो पहले आसाम में अभी जो इन्वेस्टमेंट ये एडवांटेज आसाम हुआ है, तो पहले गवर्नमेंट का टाइम में, पहले गवर्नमेंट में किसी का गवर्नमेंट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पहले ये क्यों नहीं हुआ आसाम में, बिकॉज आसाम में ऐसा कोई परिस्थिति नहीं था कि एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ कर सकेगा, लेकिन आज आसाम में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना बढ़िया है तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने के लिए हम लोग तय हो गया, और हम सारा देशवासियों को, जितना हमारा उद्योगपति, जितना इन्वेस्टर्स है, हम सब लोग को ये जानकारी देंगे कि आपका माध्यम से ये जानकारी हम देंगे कि आसाम सबसे सुरक्षित राज्य है आज का दिन में, इसमें लॉ एंड ऑर्डर कोई इश्यू नहीं है, और जो निवेश यहाँ करेंगे इन लोग सुरक्षित रहेंगे, सरकार पूरा सुरक्षा इन लोग को देंगे, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग अभी 3 नंबर पोजिशन में हैं, तो निवेश कार्य के लिए निवेश जो लोग करेंगे तो इन लोग के लिए कोई असुविधा नहीं होगा, चाहे लैंड हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो, चाहे कुछ भी सुविधा सरकार का तरफ से जो है ये आसानी से मिल जाएगा। इमैनुअल मुसाहरी जी, आपके पास आना चाहूँगा कि जो बाहर से निवेशक आएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, जाहिर है यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, लेकिन जो यहाँ के नौजवान हैं या जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं, अगर वो बिजनेस करना चाहें, अगर वो उद्यमी बनना चाहें, तो जाहिर है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, उनको फाइनेंशियल हेल्प मिले इसकी भी ज़रूरत है, और स्किल डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है, तो इस मोर्चे पे क्या आपको लगता है कि आसाम में जो यहाँ के अपने उद्यमी हैं उसके लिए एक अनुकूल माहौल बन रहा है, या आपको लगता है कि अभी भी चुनौतियाँ हैं? हाँ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे कि इंडस्ट्री तो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन सबसे प्रॉब्लम हमारे यहाँ के नौजवानों का हुई है, हमारे यहाँ स्किल नहीं है, इंडस्ट्री के मुताबिक हम लोग को यहाँ स्किल लेबर दे नहीं सकते। जैसे मैं एम्प्लॉयमेंट रिव्यू कमेटी का एक चेयरमैन मैं अभी भी हूँ, मैंने बहुत सी इंडस्ट्री मैंने देखा, लेकिन मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में है जो स्किल में है, जो स्किल सेक्टर में है वो बाहर से है,
लेकिन बाकी अनस्किल जो है वो हमारे यहाँ के हैं. तो दिस इज़ अ वेरी दिस इज़ अ चैलेंज फॉर अस. तो इसलिए हमारे यहाँ जो स्किल डेवलपमेंट है, ये मुख्यमंत्री का स्किल डेवलप कौशल योजना, हर डेवलपमेंट ब्लॉक में आप ये बैठे जा रहे हैं. तो स्किल के बारे में और भी बहुत सी काम करना है ताकि लोकल यूथ्स को हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे सके. दूसरी बात हो गया कैपिटल के बारे में. तो कैपिटल हमारे यहाँ तो है ही नहीं. तो इसलिए अनदर बिग चैलेंज इज़ द कैपिटल टू इन्वेस्ट. उसके बाद नया आइडिया की भी ज़रूरत है. यहाँ के लोग है जैसे कि मोस्ट हमारा फैमिली या हमारा जो है कम्युनिटीज है, नॉर्मली वी आर नॉट एसोसिएट विद द बिजनेसेस. सो दिस इज़ अ वेरी न्यू फील्ड फॉर अस. सो वी आर यूज टू रेयरिंग सर्टेन से डोमेस्टिकेटिंग द एनिमल्स और मे बी द रेजिंग सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स. वी हैव दिस एस ऑल टेक्नोलॉजी इज देयर, बट न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू इंडस्ट्री सेटअप करना, दिस इज अनदर बिग चैलेंज फॉर अस. सो गवर्नमेंट हैज़ टू कम, दे हैव टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. दे आर गवर्नमेंट इसमें आना पड़ेगा. तो दिस इज़ द सेकेंड चैलेंज फॉर अस, क्योंकि यू आर नॉट यूज टू डूइंग बिजनेस एंड नॉट यूज टू सेटिंग अप इन इंडस्ट्रीज. यू विल गो फॉर द जॉब्स, मे बी इज अ स्मॉल जॉब और अ बिग जॉब्स. वंस वी आर अंडर द समबडीज एल्स और इज अ गवर्नमेंट जॉब, वी फील आवर सेल्फ सिक्योर. दिस इज द फॉल्स नॉर्म, ये नोशन हमारे यहाँ के लोगों का है. सो दिस इज अ दिस कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ेगा. गवर्नमेंट के तरफ से उसी दिशा में जा रहा है. बहुत सारे अभी ITI खुले जा रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, 2 या 3 पॉलिटेक्निक्स खुले जा रहे हैं. लेकिन ये फुल इसमें लाना पड़ेगा, लोगों को ये स्किल डेवलप इम्पार्ट करना पड़ेगा. अभी हो रहा है और जोरदार से होना चाहिए, तो भी हमारा जितना भी यूथ है उन लोगों को हम लोग दे सके जॉब दे सके. सेंटिस कुजूर साहब, अगर आसाम की आबादी को देखें तो करीब करीब 86% आबादी गांव देहात में रहती है, और अभी भी करीब करीब 68% अगर आप उसको और कम करना चाहें तो 60% से ज़्यादा कम से कम खेती किसानी से ही अपना गुजर बसर करती है. लेकिन जो राज्य में निवेश बढ़ाने की बात हो रही है, रोज़गार बढ़ाने की बात हो रही है, तो जो स्किल डेवलपमेंट का मामला है या एजुकेशन का मामला है गांव देहात में, उसमें क्या करने की ज़रूरत है? अगर क्योंकि खेती में इतनी बड़ी आबादी लगी रहे राज्य की, ये बहुत सस्टेनेबल शायद नहीं है. हाँ देखिए, असम में कम से कम 60% आदमी जी खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है, और खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ होने के नाते से जिस तरफ से फैसिलिटी मिलना चाहिए, फैसिलिटी मिल रहा है, लेकिन जिस तरफ से मिलना चाहिए था उतना कुछ नहीं हो रहा है. और विशेष करके मैक्सिमम फार्मर्स वो आपका रेन वाटर उसके लिए डिपेंड करते हैं. तो इरीगेशन सिस्टम बहुत कुछ हुआ है, लेकिन और भी बहुत कुछ होना है. अगर इरीगेशन सिस्टम अगर ठीक रहेगा, 12 महीना अगर पानी मिलेगा तो 12 महीना खेती होगा, और जब 12 महीना खेती रहेगा तो उन लोग का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, उन लोग का इनकम भी अच्छा रहेगा. तो मेरा यही कहना है कि 12 महीने उन लोग का पानी मिलना चाहिए, इरीगेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए. 12 महीना पानी मिलने से उन लोग का प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा, उन लोग का इनकम भी अच्छा रहेगा, तो हम लोग का डेवलपमेंट भी होगा जी. अगर 60% आदमी अगर डेवलपमेंट होगा तो बाकी लोग का ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा जी. पटवारी साहब, 2 मुद्दे आते हैं इसमें. एक है जो उद्यमी बनना चाहते हैं, अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट और कैपिटल का इंतजाम, पैसे का इंतजाम. एक तो इस मोर्चे पर खासतौर पर रूरल पॉपुलेशन की अगर बात करें, उदालगुड़ी की अगर बात करें या तामुलपुर की बात करें, कोकराझार के और आदिवासी इलाकों की बात करें, उसमें उसके लिए कैपिटल की का इंतजाम हो कि वो अपना अगर कोई काम रोज़गार करना शुरू करे, और दूसरा स्किल डेवलपमेंट उसको मिल पाए, इसके लिए क्या किया जा रहा है या क्या योजनाएं हैं आपके? और दूसरा जो कुजूर साहब ने कहा कि एक तरफ ब्रह्मपुत्र है, एक तरफ बराक नदी है, जो हर वक्त आसाम में पानी की कोई कमी नज़र नहीं आती है, और बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है जो ख़ास तौर पर किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, गांव देहात के लोगों के लिए बहुत मुसीबत बन के आती है, और एक तरफ सिंचाई के लिए पानी की कमी है. तो 2 मुद्दों पर संक्षेप में अगर आप बता पाएँ.
देखिए ये जो स्किल डेवलपमेंट का जो मुद्दा है ये तो इम्पोर्टेंट है जी। और ये मुद्दा को हम लोग एड्रेस तो ठीक ढंग से किया है क्योंकि मैं स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हूँ, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी हूँ, इसीलिए हमने आपको चुना है सर। आप तो, इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं। अच्छा, इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर भी हूँ, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हूँ, तो स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हूँ। तो अभी क्या है, ये जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ये बिल्कुल नया डिपार्टमेंट है। अभी असम में क्या है, असम का जो नई पीढ़ियाँ न्यू जनरेशन दे आर वेरी एक्टिव, वेरी नॉलेजेबल एंड वेरी एक्टिव, लेकिन क्या है इन लोग का मजबूरी से आज असम का बाहर जाके इन लोग का काम करने पर रहा क्योंकि असम में काम करने का इन लोग को सुविधा नहीं है। तो अभी क्या है, हम स्किल डेवलपमेंट के अंदर में अभी 249 सेंटर हम खोल लिया, इसमें 18,000 स्टूडेंट इसमें हम लोग एडमिशन दे दिया। ये मार्च महीना का अंदर हम और 300 सेंटर हम असम में खोल लेंगे और इसमें टोटल कुल मिला के 60,000 हम इस साल में 60,000 लड़का लड़की को हम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कर देंगे। ये सब रेडी और ट्रेनिंग चल रहा है, अभी पूरा रेडी ही है 60,000। नेक्स्ट ईयर हम इस साल में हम हर ब्लॉक में जितना चाहे, क्योंकि रूरल एरिया का बात अभी आ रहा है तो ब्लॉक तो रूरल एरिया में है, तो हर ब्लॉक में हम रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर करेगा, मैंने क्या है रूरल डेवलपमेंट डेवलप करने के लिए हम स्किल डेवलपमेंट का हम हर ब्लॉक में जितना चाहे इतना ट्रेनिंग सेंटर हम करेंगे। और अगला दिन में हम इस साल तो 60,000 हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे और इसमें हम क्या है हाइड्रोकार्बन सेक्टर में एक्चुअली किस का ये सही स्किल चाहिए, क्या स्किल चाहिए इसमें, कर लीजिए कोई प्रोडक्टिव सेक्टर में क्या चाहिए। तो हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हम सब इंडस्ट्री को बोला है जो आप लोग का जितना स्किल नेक्स्ट ईयर आप चाहिए हम आप लोग का आप हमको बोलिए। तो हम इसी हिसाब से हमारा आईटीआई जो है ना और हमारा जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर अभी हम खोल रहा है तो इसमें हम लोग इन लोग को ट्रेनिंग दे देंगे। तो ट्रेनिंग देने के बाद सबसे खुशी का बात ये है तो अगले साल में हम तय किया है कि 500,000 असम का स्टूडेंट हम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग हम 500,000 को कर लेंगे, ये हमारा टारगेट है। और सबसे अच्छा बात स्किल डेवलपमेंट में ये है अभी हमारा सिंगापुर गवर्नमेंट से हमारा असम गवर्नमेंट का एमओयू साइन हो गया जी। आज हो गया कुछ दिन एमओयू साइन हो गया तो सिंगापुर हम लोग को 2/3 सिंगापुर देगा। तो हम कोरिया से भी हम बातचीत कर रहे हैं ऑटोमोबाइल और किसके लिए, कोरिया भी हमको 2/3 हम लेने चाहते हैं। और असम का जो ये माहौल है आप पहले बोला था कि इतना खूबसूरत है जी, तो इसको लेके जो आज ऑर्किड दिल्ली में हो या मुंबई में हो जितना ऑर्किड है सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से आते हैं। तो ये ऑर्किड का जो डेफिसिट है ये हम ठीक करने के लिए हम ताइवान से 2 ये फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर में 2 ट्रेड हम ताइवान से लेने वाला है। तो इसी हिसाब से क्या है स्किल डेवलपमेंट को एक स्ट्रेस में हम लोग ले गया अभी। तो अभी जो हम लोग का बीच में आज मुसारी जी जो बोला है जी या कुजू जी जो बोला है जी, तो पहले क्या है पहले क्या था इसका पहले क्या है पटवारी जी बिकॉज़ मुझे ना पहले क्या है पहले ये सुविधा नहीं था। तामुलपुर जाने का भी, कोकराझार जाने का भी, बोडो ट्राइब की बात करें, राभा ट्राइब की बात करें या टी ट्राइब्स की बात करें, वहाँ पर जैसे राभा और बोडो ट्राइब्स की अगर बात करें महिलाएं बहुत सुंदर कपड़ा बुनती हैं, घर पे कपड़ा बुनने की कला है, लेकिन उनके लिए वो लोकल मार्केट है सिर्फ वहाँ पर और उनको अभी भी वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे बोडो महिलाएं जितना लंबाई की साड़ी पहनती हैं उतनी ही साड़ी बुनती हैं वो, अगर उनको आप बड़ा मार्केट प्रोवाइड कर पाएँ दिल्ली में जिस तरह की साड़ियाँ महिलाएं पहनती हैं उस साइज़ की अगर उनको बनाना सिखाएं उसकी मशीनरी मिले तो बहुत बेहतर काम हो सकता है। ना ये तो होगा क्योंकि हमारा वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जी। तो इसमें वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप हम डेवलप कर रहे हैं अभी एंटरप्रेन्योरशिप जी। तो आज कितना 10-15 दिन हो गया इन लोग का सारा आसाम का जितना महिला है जो आप जो निर्णय दिया है ये करने के लिए हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रहा है अभी जी। मैं आपके पास आना चाहूँगा कुजूर साहब कि यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े चाय बागान हैं
और वहाँ पर लाखों लोग चाय बागानों में काम करते हैं, उनका एक बड़ा मसला है, पुराना मसला है, उसको आप सामाजिक मसला कह सकते हैं या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मसला कह सकते हैं या पहचान का मसला कह सकते हैं, कि वो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मांग रहे हैं। और ये कहा जा रहा था कि जल्दी ही उनको शायद ये दर्जा मिल जाए, क्या स्थिति है, क्या मांग है उनकी, बता सकते हैं? देखिए, असम में जो लोग बागान में रहते हैं, ये असम के छोड़ के बाकी स्टेट में लोग शेड्यूल ट्राइब है। आप वेस्ट बंगाल में जाओ या छत्तीसगढ़ में जाओ या मध्य प्रदेश में जाओ, जहाँ भी जाओ, असम को छोड़ के सभी स्टेट में ये लोग शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन असम में ये लोग शेड्यूल ट्राइब नहीं है। ये वो जो आदिवासी लोग हैं, वो जो टी टाइप्स लोग हैं, उन लोग को एक बड़ा इशू एक है, और उन लोग का मांग अभी से नहीं, अभी कम से कम 30 साल से उन लोग का मांग चल रहा है कि उन लोग को एसटी का दर्जा दिया जाए, और मांग चल रहा है। और बीजेपी सरकार होने के बाद में 2016 फरवरी में मोडलिटी का ऊपर में स्टडी करने के लिए कमेटी बनाया गया था, और ये भी कहा गया था कि 3 महीना के बाद में वो लोग मोडलिटी कमेटी ने रिपोर्ट पार्लियामेंट में जमा देगा, उसके बाद असम का आदिवासियों या टी टाइप्स के साथ साथ बाकी जो 6 जनगोष्ठी है हम लोग का, उसका भी एक साथ एसटी होगा बोल के बोला था। लेकिन 3 महीना चला गया, 6 महीना चला गया, 2 साल हो गया। मैं पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन किया था, लेकिन अभी तक उस मॉडलिटी कमेटी ने रिपोर्ट जमा नहीं दिया। तो इस तरह कि ये जो इशू है, एसटी का जो इशू है, इसको लटकाया हुआ है, हैंग किया हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा लटकाया हुआ है, क्यों इतना दिन पेंडिंग हो करके रखा हुआ है। मुझे कहने में सामने लगता है कि सरकार इसको लेके फुटबॉल की तरफ खेलता है। अगर दिल्ली जाओ तो दिल्ली बोलता है कि असम सरकार ऊपर ठेल देता है, असम सरकार में बात करो तो असम सरकार दिल्ली के ऊपर ठेल देता है, फुटबॉल की तरफ इस तरफ से उस तरफ लत मारता है, उस तरफ से इस तरफ लत मारता है, ऐसा करके ये जो हाल है इसको लटकाया हुआ है। इमैनुअल साहब, आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि इस मसले पर जब बात होती है तो ये भी कहा जाता है कि कुछ इंडिजीनियस ग्रुप्स हैं जो इस मांग के ख़िलाफ़ हैं और उनकी आपत्ति है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, बोडो पीपल्स फ्रंट सहमत है अगर उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। हाँ, इसमें तो हाल ही में हमारे काउंसिल में भी उसी के ऊपर एक रेजोल्यूशन भी पास किया था बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल ने, और हमारा बीपीएफ का जो प्रेसिडेंट है, काउंसिल का चीफ है, उसने भी खुला बोल के रखा है कि हमारा कोई इसमें कोई ये नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमारे तरफ से, पूरा है, क्योंकि उन लोग असम के बाहर में उन लोग शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन यहाँ सारे बागान में जो लेबरर है उन लोगों को ट्री ट्राइब बोल के बोला जाता है, लेकिन असली में उन लोग है कोई संताल है, कोई उराव है, कि उराव है कोई संताल ऑलरेडी उन लोग ये झारखंड में एसटी है जी। तो सिमिलरली हम लोगों का भी सेम प्रॉब्लम्स है, सेम ट्राइब्स, बोडो ट्राइब्स, हम लोग असम में बीटीसी काउंसिल एरिया में असम में एसटी है, कार्बी आंगलोंग में एसटी नहीं है। सो वो भी हमारा भी अनदर मुद्दा है, अब तक हाल ही नहीं हुआ, काउंसिल एकॉर्ड में था, वो भी वन ऑफ द क्लोजेस्ट था, तो कार्बी आंगलोंग में जो बोडो लोग हैं उन लोगों को ट्राइबल का दर्जा दिया जाए, वो भी नहीं हुआ है। तो जो भी हो, गवर्नमेंट उसी के ऊपर विचार हो रहा है, लास्ट स्टेज में है, होने वाला है, लेकिन अभी जो थ्री ट्राइब्स के बारे में जो बोला जाता है, कोई कोई ऐसे लोग हैं उन लोग थ्री ट्राइब पसंद नहीं है, उन लोग को थ्री ट्राइब के अंदर में क्लब करना उन लोग को पसंद नहीं है, तो उन लोग बोलते हैं हम लोग उरांग हैं, उरांग का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि उरांग हम लोग संताल है, संताल लोग वहाँ झारखंड में बिहार में एसटी है, इसलिए हम लोग यहाँ भी एसटी बनाना है। तो गवर्नमेंट के उसी के ऊपर विचार चल रहा है, लगता है हाल ही में हो जाएगा। इसके अलावा भी ये ओनली थ्री ट्राइब्स के अलावा भी, और कोस राजवंशी का ये मसला है, उन लोग भी एसटी मांगे जा रहे हैं जी। तो आगे एसटी तो सर्टेन 10 साल के लिए दिया जाता था, अभी हॉल कम्युनिटी असम में एसटी के लिए मांग रहा है, वो गवर्नमेंट के विचार में है, वो लोग गवर्नमेंट क्या करेंगे जी, क्या करेगी पटवारी साहब सरकार? देखिए, ये जो 6 कम्युनिटीज एसटी डिमांड कर रहे हैं, मांग रहा है जी। ये सर्वानंद सोनोवाल जी का जो सरकार है इसमें, और मोदी जी का जो सरकार है दिल्ली में, तो ये मांग हम लोग का सरकार का मांग नहीं है, ये तो बहुत आगे ही ये मांग था, लेकिन आपका वायदा सुनिए, नहीं है, हम नहीं, ये नहीं बोला है,
कि इसमें हम लोग हट के चलाया, ये नहीं बोला है। तो ये बहुत दिन पहले हुआ था, तो उस टाइम में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उस टाइम में क्या है, इसको जितना ये देने वेटेज देना था, ये वेटेज नहीं दिया, जिसके लिए ये इश्यूज़ क्या है, ये इश्यूज़ पड़ा रहा है। और सबसे बात ऐसा है कि हमारा ये विधानसभा से निर्वाचित होकर मनमोहन सिंह जी राज्यसभा का एमपी बना और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बना जी। तो उस टाइम में ये मसला तो उस टाइम में भी था, ये डिमांड तो उस टाइम में भी था। तो आज क्या है, उस टाइम में भी ये नहीं हुआ। अभी हमारा गवर्नमेंट जब आया, हमारा ये कमिटमेंट था, तो हम ये एक्सपीडाइट करने के लिए हमारा गवर्नमेंट का तरफ से दे दिया। देखिए, एक बार मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन था ये हाउस में जी, तो एक बार मैं दिल्ली में हमारा मैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर से मिला था इस बारे में 2006। तो उस टाइम ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर क्लियरली हमको बोला था, आई वॉज लीडर ऑफ द अपोजिशन इन दिस हाउस, तो ये बोला था कि हम तो देने के तैयार है, लेकिन असम गवर्नमेंट इसको नहीं मानते हैं। उस टाइम का असम गवर्नमेंट जी, वी वर इन अपोजिशन दैट टाइम। लेकिन आज का डिफरेंस ये है कि असम गवर्नमेंट इनको देने के लिए तैयार है आज का दिन में। क्या आपको टाइमलाइन दे सकते हैं? टाइमलाइन हम कैसे देंगे, जैसे हमारा एमपी साहब बोला है जी, कि इसमें एक मॉडलिटी कमेटी बना दिया, तो मॉडलिटी कमेटी तो जो है, तो इनका ऊपर हम कैसे निर्णय देगा, क्या कैसे हम टाइमलाइन देगा, तर लीजिए हम टाइमलाइन दे दिया, इतना मॉडलिटी कमेटी नहीं माना, तो हम तो टाइमलाइन देने नहीं सकेगा, क्योंकि इश्यू नॉट रिलेटेड टू असम गवर्नमेंट। असम गवर्नमेंट का साथ अगर ये इशू रिलेटेड होता था तो मैं टाइमलाइन दे देता था जरूर, कि भाई एक महीने का अंदर हम कर देंगे। जैसे हमारा बीटीएडी में पंचायत निर्वाचन होना है, तो इन लोग का मांग है, ये कमिटी का चेयरमैन मैं हूँ, तो मैं 16 तारीख को इन लोग को दे दूंगा ये जो है। ये तो सर असम सरकार का मांग था, ये हम दे देंगे। 16 तारीख में मीटिंग हम दिया है, चेयरमैन मैं हूँ, तो 16 तारीख को इन लोग का जो मांग है मैं पूरा कर दूंगा, क्योंकि असम गवर्नमेंट का हाथ में है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मॉडलिटी कमेटी बनाया है, तो इसमें तो हम तो कुछ टाइमलाइन तो नहीं दे सकेंगे। एक और बड़ा मसला है पटवारी जी, कि जो पहचान के सवाल से शायद जुड़ा हुआ है, कि जो गैर कानूनी तरीके से बाहर से आके लोग बसे हुए हैं, और उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का भी मामला है, एक नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर है, ये इस ये मसला कितना इम्पॉर्टेंट है आसाम के लिए, और कहाँ तक आसाम सरकार उस पर पहुँची है? देखिए, ये मामला आसाम का सबसे महत्वपूर्ण मामला ये है, और हमारा मुख्यमंत्री का जो बिंदु है, चार बिंदु मुख्यमंत्री क्लियर कर दिया, विदेशी मुक्त असम, संतरासवाद मुक्त असम, प्रदूषण मुक्त असम, करप्शन फ्री असम, ये चार बिंदु हमारा मुख्यमंत्री जी क्लियर कर दिया। तो इस मामला, ये तो हमारा नंबर वन मामला है। हम लोग हमेशा ये मांग के चलता है कि हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश से हमारा इसमें आदमी ना आए, और हमारा जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी हमारा बर्बाद ना करे। ये तो सब आसाम का, सब जनता का मांग है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो अभी क्या है, आसाम, ये आसाम एकॉर्ड में है ये, तो आसाम एकॉर्ड का जो क्लॉज है, ये तो सब लोग को तो मानने पड़ेगा, क्योंकि आसाम एकॉर्ड पार्लियामेंट में प्लेस किया था, तो उस टाइम का प्रधानमंत्री राजीव गांधी का की बात है। मैं तो था ना ये सिग्नेचर में, तो सिग्नेचर जब हुआ था आसाम एकॉर्ड रात, उस दिन तो मैं भी प्रेजेंट था ना जी, तो हम मैं तो देखा है। अब उस टाइम का प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का सामने ये भारत सरकार, असम सरकार और हमारा आंदोलनकारी आंदोलन जो किया था आसू जी, गणसंग्राम परिषद, तो ये ट्राइपार्टी तो होने के बाद रात में ये हुआ, तो 15 अगस्त, तो रात में जो ये असम एकॉर्ड हुआ था, उसमें सिग्नेचर में तो मैं भी था उस टाइम में। लेकिन क्या है, इसमें हमारा मुद्दा ये है, NRC हम लोग अपडेट करेंगे, और इसमें मैं धन्यवाद देता हूँ सब पार्टी को जी, जितना पार्टी असम में पॉलिटिकल पार्टी है, जितना ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ, कि फर्स्ट फेज ऑफ NRC जब पब्लिश हुआ, तो इसमें सब लोग हेल्प किया है, सब लोग सहयोग किया है। तो इसीलिए मैं असम गवर्नमेंट की तरफ से सब पॉलिटिकल पार्टी, सब ऑर्गेनाइजेशन को मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं थैंक्स बोलता हूँ ज़रूर। और जो नेक्स्ट फेज है, नेक्स्ट फेज में भी सेम हेल्प,
सेम कोऑपरेशन हम लोग मांगते हैं इन लोग से, क्योंकि अगर एनआरसी असम में बन जाएगा तो असम का मन, आदमी लोग का मन में जो भाव है कि एक दिन ऐसा हो जाएगा ना कि हम लोग एक्सटिंक्ट हो जाएगा, हमारा जो आइडेंटिटी है आइडेंटिटी हम लूज कर देंगे, ऐसा एक होगा, ऐसे मन में जो भाव है, तो ये एनआरसी होने के बाद ये भाव नहीं होगा। दो मुद्दा है, एक तो है एनआरसी टू प्रिपेरेशन तो होगा, इसमें क्या है, इसमें डरने का कोई बात नहीं है एनआरसी में, इसीलिए डरने का बात नहीं है। इसमें दो मुद्दा क्लियर है, इसमें दो पॉलिसी क्लियर है, एक तो है कोई विदेशी का नाम एनआरसी में नहीं घुसेंगे और कोई इंडियन सिटीजन का नाम छूटेगा एनआरसी में रहेगा। लेकिन जिनका नाम एनआरसी में नहीं होगा उनका क्या होगा? और देखिए ये बात अभी हम नहीं बोलेंगे, ये बात इसीलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सारा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट अभी मॉनिटर कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो मैं कुछ बात नहीं बोल सकता हूँ ना, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली मॉनिटरिंग होल एनआरसी इश्यूज, एंड सेकेंड इशू इज आवर बॉर्डर इशू, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, तो ये मेन मुद्दा है हमारा। तो अभी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर आज 1952 से असम आंदोलन हो गया उसका, आज तक इंडो बांग्लादेश बॉर्डर सील नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं गर्व से बोल सकता हूँ अंडर द लीडरशिप ऑफ सर्वानंद सोनोवाल, अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी एंड राजनाथ सिंह जी द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, सो इतना सीरियसली ये ले लिया, अभी हमारा बॉर्डर का काम जो सीलिंग करने का काम अभी अबाउट टू कंप्लीट एक्चुअली, सो ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ असम वी एक्सटेंड आवर हार्टिएस्ट थैंक्स टू श्री नरेंद्र मोदी जी एंड श्री राजनाथ सिंह जी एज होम मिनिस्टर। तो आप ये कह रहे हैं कि जो सुरक्षा का सवाल था उसमें बड़ा काम हुआ है। आपके पास आना चाहूँगा, पटवारी जी ने कहा कि सब राजनीतिक दलों ने साथ दिया है एनआरसी का जहाँ तक मामला है और किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक पेचीदा मसला है और आसाम में शांति बनी रहे ये न सिर्फ निवेशकों की नज़र से या विकास की नज़र से बल्कि यहाँ के जो नागरिक हैं उनकी नज़र से भी बेहद ज़रूरी है। क्या आप ये मानते हैं कि जो पूरा प्रोसेस जिस तरह से चला है वो बिल्कुल सही रास्ता है और शांतिपूर्वक तरीके से ये इतना बड़ा मसला जो बरसों से चल रहा है उसको उससे निपटा जा सकता है स्टेट में? हाँ बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि एनआरसी ये सब पार्टी चाहते हैं एनआरसी हो बोल के, पॉलिटिकल पार्टी हो या असम में जितना भी संगठन है सब संगठन चाहता है कि एनआरसी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, और इसलिए सबको ही सपोर्ट किया है और ये जल्द से होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि विशेष करके इलेक्शन के समय में कोई कोई पार्टी के लिए यही सिर्फ मुद्दा रहता है, सिर्फ विदेशी मुद्दा रहता है, दूसरा कुछ मुद्दा नहीं रहता है, इशू नहीं रहता है। अगर ये समस्या अगर ख़त्म हो जाएगा, हल हो जाएगा, तो उनको उस लोगों के पास इशू नहीं। तो आपको ये लग रहा है कि अगला चुनाव आपके लिए आसान हो जाएगा? सबके लिए अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा होगा, हम लोग के लिए तो अच्छा रहेगा ही, सबके लिए अच्छा रहेगा। तो एनआरसी का काम मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फेज का जो लिस्ट निकलना था तो निकल चुका हम लोग का, अभी सेकेंड फेज का काम चल रहा है, तो ये जल्द से ख़त्म हो जाएगा, तो तब असम का सबके लिए भला ही है, सब पार्टी के लिए अच्छा है, सब संगठन के लिए अच्छा रहेगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए। इमैनुअल मुसाहारी जी, जाहिर है ये एक पुराना मसला है और आपका इलाका बिल्कुल भूटान से लगा हुआ है और वहाँ से लोगों का आना जाना रहता है, आपकी नज़र में कितना इम्पॉर्टेंट है ये मसला आसाम के लिए, पहली चीज़? और दूसरी चीज़, जब हम आसियान देशों में रास्ता खोलने की बात कर रहे हैं कि आना जाना आसान हो जाए, व्यापार आसान हो जाए, वैसे में एक तरफ वो मसला है और एक तरफ ये मसला है, दोनों को कैसे संतुलन बनाया जाए? है जिस इशू के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो बहुत गंभीरता से हम लोग देखना चाहिए इसको। जैसे कि अभी गवर्नमेंट का पॉलिसी है, सिर्फ पॉलिसी नहीं रहा, वो करने जा रहा है इन एक्शन, तो एक्शन के साथ साथ आ गया दूसरी मुद्दा, आ गया वो एनआरसी के बारे में। एनआरसी से हम कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया है। तीसरी बार है, जितना भी हम बोले, जितना भी इन्वेस्टर के बारे में या ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के बारे में ये मेन इशू में लगा हुआ है, वो है हमारे असम शांति हो या ना हो, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए अच्छा है कि नहीं,
तो लास्ट अगर हम देखें तो रिकॉर्ड को देखें तो 1914 से कुछ नहीं हुआ. अभी कंपेयर टू लास्ट डिकेड या 2001-2014 अभी असम कंपेरेटिवली मच बेटर एंड ऑलरेडी आवर मिनिस्टर हैव ऑलरेडी सेड. सो वंस एंड फॉर एन ऑल दिस असम नाउ ए फॉर असम इट हैज कम. It has been recognized and it has come to be known as A for Assam, and we are grateful to the Prime Minister of India. So I think the entire paradigm shift will be there, entire thinking process will be there. Earlier we were, हम लोग थोड़ा सा वो landmass के जरिए India के साथ जुड़ा हुआ था. No doubt this is the part of India also. But we are entirely dependent on the other side for marketing and all. अभी कोई अगर इंडस्ट्री सेटअप करेगा तो उनको मार्केट की जरूरत है. तो साउथ ईस्ट एशिया अगर खुल जाएंगे तो बड़ा सा ऐसा मार्केट भी बन जाएगा. तो एंटर नॉर्थ ईस्ट एंड असम का ये डेवलपमेंट का वन एंड ओनली थिंग इज अगर साउथ ईस्ट एशिया के सब हम लोग जुड़ जाएंगे, अगर रास्ता बनेगा तब हम लोग फ्यूचर ब्राइट देख सकते हैं. अदरवाइज अर्लियर जितना भी पॉलिसी लिया है वो पॉलिसी में ही ख़त्म हो गया. तो आज इस बार पॉलिसी नहीं है, अभी एक्शन में शुरू हो गया. सो वी आर वेरी मच होपफुल एंड द माहौल बन गया, अभी एक माहौल भी बन गया है. सो इन्वेस्टर स्टार्टेड कमिंग अर्लियर से इन डिकेड्स बैक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ये एडवांटेज असम जैसा बड़ा सा ऐसे कॉन्फ्रेंस बैठाना भी सोच के ये बाहर ही था. तो अभी वो हो गया. सो वी आर वेरी मच होपफुल द नेक्स्ट डिकेड्स असम विल डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म. ओके, अब पटवारी साहब आखिरी टिप्पणी आपकी, जब हम ये कार्यक्रम ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं कि आपने बहुत सारी बातें बताई, चाहे वो कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, पीस का मामला हो, कितने आश्वस्त हैं आप कि आने वाला वक्त जो है वो आसाम के नौजवानों का है और यहाँ पर निवेशक आसानी से आ सकता है, निवेश कर सकता है और उनको भी फ़ायदा होगा और यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा? ये तो मैं तो देखिए, मैं तो 1985 में पहला मंत्री हुआ था सो 1985 से मैं असम का माहौल भी जानता हूँ और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अनुभव है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो निष्ठा है ये निष्ठा भी मैं देख रहा हूँ आज तक. तो हमारा अनुभव से, मेरा अनुभव से मैं ये देखता हूँ, अभी जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ मोदी जी जितना ये एक्टिस पॉलिसी और अदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बारे में, वाटरवेज, आईटी, नेट कनेक्टिविटी, तो ये सब का बारे में, रेलवे, डबलिंग रेलवे स्टार्टेड, एयरपोर्ट, न्यू एयरपोर्ट एंड रास्ता, तो हम अभी जहाँ तक देखता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो अच्छा ही है. तो आने वाला जो दिन है, ये दिन में मेरा अनुभव से मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं मंत्री हूँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है. मेरा अनुभव से मैं बोल रहा हूँ कि आने वाला दिन असम का नौजवानों के लिए एक बढ़िया दिन है, सामने वाला दिन, और निवेश इसमें ज़रूर होंगे क्योंकि 800 मिलियन पॉपुलेशन साउथ ईस्ट एशिया, तो हमारा जितना एडवांटेज है ये एडवांटेज दूसरा कोई स्टेट का नहीं है. तो दिस इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन, असम इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट. तो आने वाला दिन में तो इन्वेस्ट करेंगे, इसीलिए करेंगे क्योंकि ये एडवांटेज असम का बात. तो हम कोई बिजनेस ग्रुप हमसे बात किया है एज इंडस्ट्री मिनिस्टर, तो ये लोग निवेश करना चाहते हैं इसमें, तो इसीलिए हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के लिए हम कर दिया, इंक्लूडिंग ए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बिकॉज एग्रीकल्चर लैंड जो है इसमें इंडस्ट्री होने के लिए एक साल तो इसको कन्वर्सन में लग जाता है, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट. अभी क्या है, हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना दिया है बहुत यहाँ से नलबारी डिस्ट्रिक्ट तक जी. तो अभी क्या है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम रेडी करके दिया है, गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिव जी. तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर निवेशकों के लिए और यहाँ के भी बिजनेसमैन जो हैं उनके लिए एक बेहतर माहौल बनाने के लिए बहुत जो भी जरूरी काम है, चाहे वो नीतिगत फैसले हैं, वो सब आप
की सरकार कर रही है और यहाँ पर बेहतर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। पटवारी साहब, आपके इसी कमेंट के साथ राजीनामा को यहीं पर विराम देंगे क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आप तीनों मेहमानों का, आपने लंबा समय हमारे लिए निकाला और कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना काम छोड़कर हमारे कार्यक्रम में शामिल होना है। और इसी उम्मीद के साथ कि आसाम, जिसको नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहा जाता है और जिसको प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अगर कोई केंद्र है तो वो नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा राज्य आसाम है, आने वाले दिनों में यहाँ पर ज़्यादा निवेशक आएंगे, यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार होंगे, किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, किसान ज़्यादा अपना उत्पादन दे पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज राजनामा में गुवाहाटी के विधानसभा प्रांगण से आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।